मेरे को विकिपीडिया के बारे में 2008 में इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, जबकि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था जो कि मेरा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। तो उसके बाद मैंने ये विकिपीडिया पे बिना अकाउंट बनाए थोड़ा बहुत काम किया, और 2012 में मैंने ऑफिशियली अकाउंट बना के विकिपीडिया पे काम किया। अब पहले तो भारतीय भाषाओं में टाइपिंग करने का बहुत तकलीफ़ होता था, लेकिन जब से नए नए टूल्स आने लग गए तो उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई कि भारतीय भाषाओं में टाइपिंग अच्छे से की जा सकती है उससे। और लगभग मैंने 50 से ज़्यादा आर्टिकल बनाए विकिपीडिया के लिए, और उनका और एक प्रोजेक्ट है विकिसोर्स नाम से, जो कि एक ऑनलाइन लाइब्रेरी बोल सकते हैं आप उसे। उसके लिए मैंने 1000 बुक्स एक ग्रंथालय से लाए हैं। विकिपीडिया एक एजुकेशनल कंटेंट इंसाइक्लोपीडिया है, जो कि नैनकोश है, जो कि लगभग 300 से ज़्यादा भाषाओं में है। उसका उपयोग हम भाषाओं का प्रिजर्वेशन करने के लिए कर सकते हैं, नॉलेज जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। अगर हम जर्मनी, जापान इस देशों को देखें, उनके एजुकेशन सिस्टम जो है वो उनके मदर टंग में है, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंग्लिश में है। इनका एक मतलब इनके एक इन्फॉर्मेशन ये पता चली कि जिन देशों की एजुकेशनल सिस्टम उनके मदर टंग में है, मातृभाषा में है, वो ज़्यादा विकसित हो रहे हैं। जबकि इंडिया भारत में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ की एजुकेशन सिस्टम अब पूरे इंग्लिश में हो रही, तो इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज विकिपीडिया से ये फ़ायदा होगा कि एजुकेशनल सिस्टम फिर से भारतीय भाषाओं में हो। कॉन्फ्रेंसेस बेनिफिशियल होती है काफ़ी तौर पे, जैसे कि हमें बाकी बाकी भाषाओं के विकिपीडियंस के साथ मिलने को मिला, उससे हमें एक लैंग्वेज पैटर्न समझ में आता, लर्निंग पैटर्न समझ में आता है कि उनके यहाँ कौन सा प्रोजेक्ट चलता है और वो कैसे प्रोजेक्ट को सस्टेन कर रहे हैं और उनकी डेवलपमेंट क्या है। तो वही प्रोजेक्ट हम हमारी भाषा में लाए तो वो कैसे डेवलप होगा, उनके फेल्योर्स को कैसे हम सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये इन कॉन्फ्रेंसेस का, विकी कॉन्फ्रेंस इंडिया का फ़ायदा है।